करेंगे, साइकिल की सवारी दूर होगी बीमारी। कुछ ऐसे ही उद्देश्यों को लेकर साइक्लोपीडिया ग्रुप लखनऊ एवं यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया शान अवध इकाई के संयुक्त तत्वावधान में विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर साइकिलिंग का आयोजन अशोक साइकिल स्टोर पॉलिटेक्निक चौराहे से किसान पथ होते हुए इंदिरा डैम तक किया गया। भारत के साइकिल मैन के नाम से विख्यात नीरज प्रजापति सोनीपत हरियाणा से जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विशेषकर उपस्थिति थे, जिन्होंने 11,111 किलोमीटर की यात्रा का टारगेट रखा। अब तक 26,000 किलोमीटर की यात्रा 2.5 सालों में पूरी कर चुके हैं और किसानों को जैविक खाद प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने साइक्लिस्ट को प्रोत्साहित भी किया और संस्था द्वारा इस अवसर पर उन्हें सम्मानित भी किया गया। साइक्लिस्ट चलाकर कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से लड़ने और अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के साथ साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं। साइक्लोपीडिया ग्रुप के हेड विशाल शर्मा ने बताया कि इस कठिन समय में अपने को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साइकिलिंग करके फिट रख सकते हैं। वहीं इकाई सचिव पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से सब परेशान हुए, सुबह सुबह साइकिलिंग करके स्वच्छ और प्रदूषण रहित वातावरण में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है। योगा प्रशिक्षक शाहबान खान सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कहें कि शपथ सबको दिलवाई। इस कार्यक्रम में संयोजक इकाई उपाध्यक्ष चंद्रभूषण अग्रवाल सहित प्रदीप श्रीवास्तव, कमलेश, राजीव, संजीव, डॉक्टर रिचर्ड, शान, उत्तम, विवेक, वसु, शालिनी पाहवा, शालिनी तिवारी, नई मंसारी, विमलेश राय, जया शाह, अविरल प्रिया, डीजे पीसी सिंह जैसे लोग शामिल हुए। प्रदीप कुमार सिंह ने कविता पाठ सुनाकर लोगों की थकान मिटाने में अपनी सहायक भूमिका निभाई। सभी साइक्लिस्ट सुबह सुबह प्राकृतिक सुंदरता देखकर मोहित हो गए। इस कार्यक्रम की समाज में काफी सराहना हो रही।